आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट हूं। क्लीन शेप को पहले लोग अच्छा पर्सनालिटी मानते थे, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो लोग जितना अच्छे से बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो उनको लोग ज्यादा स्टाइलिश मानते हैं। इसीलिए दाढ़ी रखने का ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है। कुछ कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कम दाढ़ी लेके, तो उनका दाढ़ी कम क्यों होता है और इसका क्या सोल्यूशन है, हम डिस्कस करेंगे। ये दाढ़ी कम होने का प्रॉब्लम 10% के मर्दों को होता है। और ये दाढ़ी कम क्यों होता है, एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है उसका फेस में जितना भी हेयर फॉलिकल बनना होता है वो ऑलरेडी हो जाता है। और ये जो हेयर फॉलिकल जो यानी हेयर होता है एकदम छोटा छोटा रहता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है यानी 13-14 साल की उम्र तक पहुंचता है, तब बॉडी में मेल हार्मोन सिंथेसिस होता है जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन उसका एक एक्टिव फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में DHT बोलते हैं। तो ये DHT जब जाके हेयर रूट में जाके उसका एक रिसेप्टर रहता है, वो रिसेप्टर में अटैच होता है तो हेयर का ग्रोथ होता है। तो हेयर ग्रोथ होके लंबा होता है, मोटा होता है और काला होता है। तो ये अगर प्रॉब्लम अगर किसी का होता है यानी आइदर उसका हार्मोन कम सिंथेसिस होता है, नहीं तो उसका हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो उसका एक्टिव फॉर्म को नहीं हो पाता है, नहीं तो उसका जो एक्टिव फॉर्म वाला हार्मोन रहता है उसका रिसेप्टर कम रहता है। ये तीनों में अगर कोई भी पाथ में यानी कोई भी बीच में कोई भी रास्ता से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका दाढ़ी कम हो सकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, हमारा ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस बोल के ग्रांड है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी सिग्नल देता है हमारा मेल हार्मोन, जहां पे सिंथेसिस होता है वहां पे होता है टेस्टिस। तो ये रास्ता में पिट्यूटरी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन अगर ठीक से भी सिंथेसिस होता है और आप एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं 5-alpha reductase, ये एंजाइम अगर डिफिशियंसी हो गया तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका एक्टिव फॉर्म में नहीं हो पाएगा, जिसको बोलते हैं डीएसटी। और डीएसटी अगर हो भी गया लास्ट में, अगर उसका भी रिसेप्टर कम रहा आपका हेयर फॉलिकल के रूट में, तो उसका हेयर का ग्रोथ नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, ऑफिस में उसको प्रमोशन नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ये बच्चा इमैच्योर है, इसका इतना बुद्धि नहीं है, तो ये इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर उसको सीरियसली नहीं लेते, मजाक में उड़ा देते, बोलते कि अरे नहीं आपका तो सेविंग करने का कोई झंझट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों को बहुत साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है। तो इसका ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारा इलाज होता है, लेकिन अब जो मार्केट में बियर्ड ऑयल मिलता है ये सबसे ज्यादा खास कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो इसका इलाज में क्या क्या हो सकता है, आपका जब पेशेंट आता है हमारे पास उसका हम लोग पहले टेस्ट कराते हैं इसका हार्मोन लेवल ठीक है कि नहीं। तो अगर हार्मोन लेवल ठीक है तो उसका रिसेप्टर लेवल का टेस्ट करते हैं। अगर ये सब ठीक ठाक रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, दवाई से ठीक हो जाता है। अगर हार्मोन कम रहता है तो उसको हो सकता है मेल हार्मोन का इंजेक्शन आता है, टैबलेट आता है, वो दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारा थेरेपी होता है, जैसे आपका डर्मा रोलर हुआ, आपका PRP थेरेपी हुआ, आपका मेजोथेरेपी हुआ। ये भी देखे आपका जो डोरमेंट हेयर है, छोटा छोटा हेयर है, उसको बड़ा करने की कोशिश किया जाता है। उसके साथ कुछ दवाई है जैसे मिनोक्सिडिल होता है जो वैसोडायलेटरी एक्शन है यानी आपका ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, वो भी ट्राई किया जा सकता है। और इसके साथ आपका लास्ट होता है बियर्ड ट्रांसप्लांट, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है सर में, ऐसे बियर्ड का भी ट्रांसप्लांट होता है। तो ये भी आजकल अच्छा ट्रेंड है, ये थोड़ा खर्चा होता है लेकिन अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट है। अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपका नियर बाय जो डर्मेटोलॉजिस्ट है आपके आसपास नजदीक में, जो अच्छा वाला क्वालिफाइड स्किन का डॉक्टर है, उनको जाके दिखाइए। नहीं तो ये आपका आसपास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमेशा हेल्दी डाइट खाइए जिसमें आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, जैसे कि आपका कॉपर हो, जिंक हो, सेलेनियम हो, आयरन हो, तो ये सबसे भी आपका हेयर ग्रोथ होता है। आपका डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, अच्छा प्रोटीन से भी हेयर का ग्रोथ होता है। तो ये था हमारा दाढ़ी ज्यादा कैसे बढ़ाना है इसके बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो दूसरे के साथ शेयर करिए जिसको दाढ़ी को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, नमस्कार।